कौन कौन है यहाँ पे जो ड्यू से पढ़ा है? ड्यू से है कोई ऐसे एक दो भाई भाई साहब ड्यू में एडमिशंस ड्यू में एडमिशन लेते क्यों है? दो कारण होते हैं मेन, सेकंड वन इज फेस्ट। फर्स्ट समझ गए होगे क्योंकि फर्स्ट अपनी औकात से बाहर था। उसमें क्या है लुक्स वगैरह जो होते हैं ना काफ़ी मैटर करते हैं, और अपन अव्वल दर्जे के लुक्स में मतलब क्या ही कहने। तो ऐसे मैंने सॉर्ट आउट किया कि कैसे लुक्स वगैरह कैसे होते हैं। इधर होता है ज़ीरो, इधर होता है माइनस, और फिर आता है ख़त्म। और मैं उसमें था। ओ भाई साहब ये ख़त्म लुक्स के भी काफ़ी मतलब कोई भी आते जाते कुछ भी कह रहा है। एक बच्चा ऐसे हमारी गली में जा रहा है, बोला पेप्सी भैया अरे पेप्सी कलर से। मैं कहा भाई उसी पेप्सी का ढक्कन है तू। हद हो गई भाई लुक्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा। फिर एडमिशन वगैरह लिया तो क्लास में साउथ कैंपस। कौन कौन है साउथ कैंपस से यहाँ पे है कोई? अकेला गरीब गरीब लोग। नॉर्थ से क्या? अच्छा तो भाई हमारी क्लास के लौंडों के नाम पूछा कैसे क्या नाम है किसी का? सुरेश, मुकेश, कमलेश। क्लास के लौंडों के नाम है। मैं कहा मुकेश तू यहाँ कैसे है, थिएटर से छुट्टी मिल गई? मैंने पहले बता कर्क रोग कैसा है तेरा? कैंसर एडवेड भाई साहब। तो पूछा उससे फिर आगे बढ़े कि लड़कियाँ वड़कियाँ अपना कोई मतलब था ही नहीं। तो ऐसे तुम्हें पता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ होल्डर ही होता है होल्ड। ओ देखो अरे गरीबी देखो कितना ही पढ़ लो। अरे वही बात है ना कितना ही पढ़ लो है तो हम हरियाणा से ही। भाई साहब बिहोल्डर ऐसे एक अप्रोच किया तो कॉल वॉल होने लगी, बात बात कर रही है ऐसे। तो भाई फोन आया, हेलो व्हाट्सअप। बस ये क्या, मैं कहा मैं यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप। उसका पूछना था क्या चल रहा है, मैं कहा कुछ नहीं भाई ऐसे बुखार हो रहा है, मैं नहीं आ रहा कॉल। भाई साहब इतना टफ क्वेश्चन, बुखार कैसे हो गया? मैं कहा इतना टफ? मैंने कहा मेरे को ना बुखार का फोन आया था। उसने कहा मेरे को तेरे को होना। मैंने कहा हो जा। भाई साहब काफ़ी खतरनाक ऐसे ऐसे। फिर भाई साहब ड्यू के टीचर्स ओ हो, दो तरह के होते टीचर्स ऐसे मतलब। एक होते मतलब उनका जीवन कतई ख़त्म, वो अपने जीवन में ऐश कर रहे हैं, रिटायरिंग की एज है अपना, बच्चे क्लास में आता है उनको अटेंडेंस नहीं आता, उनको ऊपर से अटेंडेंस मत आओ तुम 25 में 25। अब दूसरे आते हैं भाई साहब खतरनाक बिल्कुल ऐसे टीचर्स। अब एक ऐसी वो वही होते हैं जो तुम्हारे टाइम पर टॉप करते हैं और तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाते पेपर में। तो भाई साहब ऐसे कोई बातें कर रहा था मैं और कोई और क्लास में से देख लिया टीचर क्या पीछे मुड़ के यू, उनके अंदर का पत्रकार जाग गया। मिस्टर शर्मा, सॉरी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, लेट मी क्लरिफाई, दिस इज माय शो, दिस इज माय क्लास, इट वोंट वर्क हियर, यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर द सेम। भाई साहब मैंने कहा अर्नब गोस्वामी जाग गया। रिपब्लिक टीवी के फैन, you need to apologize else you have to pay these in return of internal marks. maine kaha bhai sahab, maine kaha we won't pay. So thank you guys, that was all my time.